वन विभाग की टीम ने नन्हे तेंदुए का देवी मंदिर परिसर से किया रेस्क्यू। लोगों ने पिंजरे में बंद शावक का किया पूजन। बालाघाट के ग्राम खरपड़िया में बुधवार की सुबह तेंदुए का शावक देवी मंदिर क्षेत्र में आ गया। ग्रामीणों ने उसे देखा तो घबरा गए। सैकड़ों ग्रामीण तेंदुए के शावक को देखने के लिए उमड़ पड़े। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद शावक को पिंजरे में बंद कर लिया। कई लोगों ने घर से पूजा की थाली लेकर पिंजरे में बंद तेंदुए का पूजन करने लगे। नवरात्रा के तीसरे दिन माता मंदिर के पास शावक देख कई लोग इसे आस्था से जोड़ते दिखाई दिए। पशु चिकित्सक और उनकी टीम ने उसके स्वास्थ्य की जांच की, वह पूरी तरह स्वस्थ है। फिलहाल शावक को वन विभाग की टीम ने अपनी देखरेख में रखा है। हाँ जी सर, एक तेंदुआ का बच्चा पाया गया खरपड़िया इस पे। हाँ, कैसा क्या मामला सर? ये क्या है, वन क्षेत्र से निकल करके ग्राम खरपड़िया में जी समथिंग हम लोगों को सूचना 11 बजे मिला है जी। और ये मंदिर के समीप बाड़ी में था जी। जैसे हम गए जी तो वहाँ मौके पे था, उसको फिर अपने स्टाफ के साथ या ग्रामवासियों द्वारा जानकारी मिली थी तो हटा दिए गए ग्रामवासियों को। और फिर हम लोग रेस्क्यू किए उसको पिंजरा में और चौकी वन चौकी लाया गया। वन चौकी ला करके उसकी डॉक्टरों के माध्यम से परीक्षण कराया, जिससे वो स्वस्थ स्थिति में समझ में आ रहा है। कोई ऐसा उसमें खरोच या कोई ऐसी बीमारी का लक्षण समझ में नहीं आ रहा है। और इसका ऊपर वरिष्ठ अपने अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में जी हम लोग रिलीज करेंगे। अभी तो अभी मौके पे रखा हुआ है, जैसे वरिष्ठ अधिकारी का निर्देशन रहेगा वैसे हम लोग। सर किस क्षेत्र में आता है मामला, कहाँ गए वाला सर? जगह कहाँ की सर, कौन क्षेत्र में आता है ये खरपड़िया ग्राम?